हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया ना? मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब खुश रहे, बस यही मेरी अभिलाषा है। आज फ्राइडे है, अक्षय तृतीया है। आज के दिन ऐसा मानते हैं कि गोल्ड खरीदना बहुत शुभ होता है ना? हम सभी को पता है, पर कितनी लेडीज हैं जो आज के दिन गोल्ड खरीदती होंगे ना? और आज तो सबसे अच्छा बहाना है कि लॉकडाउन है, मार्केट बंद है, तो हम गोल्ड कैसे खरीदे? खरीदना तो था हमें, पर अब क्या करें, लॉकडाउन की वजह से तो कुछ ले ही नहीं सकते, है ना? जोक बढ़िया है। और चूंकि हम गोल्ड नहीं खरीद सकते, तो हम दूसरा वाला गोल्ड तो खरीद ही सकते ना, जैसे प्रिया गोल्ड। ऐसा एक जोक मैंने कम्युनिटी में डाला था आज के दिन। जैसे मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत हंसी आई, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। जब हमें गोल्ड खरीदना है आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, तो हम ग्रोसरी शॉपिंग से में भी तो गोल्ड खरीद सकते हैं, भले ही वो प्योर गोल्ड ना हो, प्रिया गोल्ड ही सही है ना। आज सुबह मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए साईं जीवन गई थी। मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है, सारा सामान तेज धूप बालकनी में रखा हुआ है। अभी तक गृह प्रवेश नहीं किया गया है ग्रोसरी का, सब वहीं धूप में ही रखा हुआ है। रात में लाएंगे हम उसको, जब पूरे धूप में सारा उसका सत्यानाश हो जाए कोरोना का, उसके बाद। और आज शाम से रात की शूटिंग कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं जब नाश्ता करके निकल गई ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, वहां से आया, नहाया धोया, खाना बनाया जल्दी जल्दी, तो शूटिंग में टाइम लगता है, रिलैक्स मूड में बनता है। तो अभी मैं शाम को बच्चों के लिए फ्रूट्स कट कर रही हूँ, वो शुरू करूंगी यहाँ से शाम की कहानी। और उसके बाद पूरा डिनर बनेगा हमारे यहाँ, बड़े दिनों बाद अब पूरा खाना बन रहा है ना, रोटी वाला, दो रोटी वही बनेगा। चलो देखते हैं आज हमारा डिनर में क्या क्या बनने वाला है। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है, इतनी तेज धूप होती है कि 6 बजे तक तो ऐसा लगता है दोपहर का ही टाइम है अभी, और करीब 7 बजे मौसम कुछ ठंडा होने सा लगता है। फ्रिज से निकाला है मैंने ये सारी चीजें, भिंडी, हरी मिर्ची और फ्रूट्स निकाले हैं, खीरा निकाला है, तो मैं कट करने वाली हूँ मैंगो और मेलन। तो इस समय तो सीजन ही है इन सब इन फ्रूट्स का, पर खास ये है कि अभी हमारे यहाँ 17-18 दिन करीब ना सब्जियां थी ना फल थे, और तब उन चीजों की बड़ी याद आई। पहले जब घर में ये चीजें आती थी तो किसी को खाने का दिल नहीं करता था, मांगता तो फिलहाल कोई नहीं था, मैं काट के दे दूं तो सब खा लेते थे, लेकिन चूंकि अब इतने दिनों बाद दर्शन हुए हैं देखने को भी मिला है, मतलब ऐसा है, तो अब मांगा है बच्चों ने कि मम्मी मैंगो कट कर लीजिए, मेलन काट लीजिए, मतलब डिमांड हुई है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यही मैं बात कर रही थी जब जो कटिंग की शूटिंग हो रही थी। और अब मैंने ये सारे छिलके उतार के सारे फ्रूट्स कट किए हैं, और मैं इन 4 प्लेट्स में डिवाइड कर रही हूँ। बहुत ज्यादा मीठा आम है और मेलन भी बहुत मीठा है, खरबूजा बहुत मीठा है, तो लेकिन ये है कि दोनों का ही टेस्ट लेना, तो पहले क्या खाया जाए थी बात कर रहे थे हम लोग, तो पहले मेलन खाया जाए क्योंकि वो मैंगो से तो थोड़ा कम मीठा होगा, और बाद में फिर मैंगो खाया जाएगा। बहुत दिनों के बाद, मतलब एक लंबे टाइम के बाद, हम चारों एक साथ टेबल पर हैं। गुप्ता जी की जो रिपोर्ट निगेटिव आई थी, उससे हम सभी लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है कि रिपोर्ट निगेटिव है मतलब पूरी फैमिली पॉजिटिव फीलिंग में रहती है, वही चीज है, क्योंकि इतने दिनों बाद वो घर आए थे और जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही थी तो थोड़ा सा तो डर था ही। भगवान है, सब अच्छा करते हैं। दूध मैंने उबालने को रखा है, और भिंडी जो कि धुली हुई रखी थी मैं बाजार से लेके आई थी, भिंडी चुन चुन के, और दाल तुअर की, यही बनाएंगे हम लोग। और तुअर दाल को मैंने धो लिया है कुकर में ही डायरेक्टली, और पानी, हल्दी, नमक डाल करके कुकर में उबालने रख दिया है मैंने। तो पहले मैंने शुरू किया था कि मैं भिंडी काटने लग जाऊं, फिर मैंने सोचा तब जब तक दाल चढ़ाई लेती हूँ फिर भिंडी काटने में टाइम लगेगा, और भिंडी सारी की सारी इतनी बढ़िया नरम भिंडी थी, एक भी भिंडी खराब नहीं थी, ना कोई कीड़े वगैरह थे, और ताजी फ्रेश भिंडी लेकर के आई थी मैं, और आपने वो मेरा
सब्जी मार्केट वाला व्लॉग जरूर देखा होगा ना, नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। भुसावल की मार्केट देखना, सब्जी कितनी बढ़िया थी। और चावल निकाले मैंने और इन्हें भी धुल के रख दिया है, क्योंकि जब दाल पक जाएगी फिर मैं चावल बनाऊंगी, और धुल के रखा है चावल में, पानी नहीं डाला है। अब मैं बैठ करके आराम से भिंडी कट कर रही हूँ, छोटी छोटी गोल गोल भिंडी कट कर रही हूँ मैं। प्याज हरी मिर्ची काट लिया है, दूध अभी बॉयल हो ही रहा है, वो गैस जो धीमा जलता है ना। और यहाँ पर दाल पक चुकी है, सीटी आ गई है, मैंने साइड में रखा है, कढ़ाई रखी है, उसमें तेल गरम करने के लिए रखा है। ये मैंने सरसों का तेल डाला है, कच्ची घानी सरसों का तेल यूज करती हूँ मैं। और इसमें डाला है अजवाइन, डाला है 1 चम्मच, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, प्याज डाली है। तो मैं प्याज वाली फ्राई भिंडी बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी हींग भी डाली है मैंने, हींग, अजवाइन, हरी मिर्ची और प्याज। भिंडी अक्सर मैं सुबह बनाती हूँ, क्योंकि टिफिन रहता है, बच्चों को नाश्ते के लिए भिंडी पराठे खाने रहते हैं। लेकिन अभी 2-3 दिनों से तो गुप्ता जी ने घर पर ही क्लास ली थी, मतलब ड्यूटी नहीं गए थे, अब कल से वो ड्यूटी के लिए जाएंगे, क्योंकि आज उनकी रिपोर्ट अच्छी है, तो मतलब अब ड्यूटी शुरू होगी उनकी। और मैंने तेल डाला है गरम तेल, हल्दी डाली है गरम तेल में, और भिंडी कटी हुई डाल दी है, और भिंडी को पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है, तेल और हल्दी की कोटिंग हो जाए। और अभी मैं नमक वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ इसे सब अच्छे से मिक्स करके ही बस ढक करके रख देंगे, तो धीमी धीमी ये पकती रहेगी। किसी ने मुझे पूछा कि गुप्ता जी घर से क्लास क्यों ले रहे थे, कॉमेंट था, वो रेलवे में ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर हैं। अब चूंकि वो बाहर से आए थे 3 स्टेट घूम के 20 दिन बाद, इसलिए उनकी रिपोर्ट आनी जरूरी थी, टेस्ट करवाया, और जब नेगेटिव रिपोर्ट है कोविड की, तो फिर अब वो कल से जाएंगे ड्यूटी। और अभी घर पर थे तो चूंकि अब 20 दिन की छुट्टी पे थे, तो अब इतने दिन भी तो छुट्टी नहीं मिलेगी, तो जब वो आए थे तो उनसे बोला गया था कि आप ड्यूटी करें और घर से ही क्लास लें, तो इसलिए वो ऑनलाइन क्लास कर रहे थे रिपोर्ट आने तक के लिए। और मैंने खीरा छील के कद्दूकस किया, दही में डाला और लाल नमक डाला है, और ये रायता मसाला, खीरे का रायता बनाया है मैंने। अक्सर मैं बूंदी का, प्याज का, या खीरे का, ककड़ी का, ये सब रायते बनाती हूँ। हम लोग रात में कितनी भी कोशिश करें कि रात में दही नहीं खाना है, हम लोगों से नहीं छूटता, क्योंकि पूरा जीवन खाते चले आए। अब जैसे नहीं कहते वो, मतलब अब कैसे इस बात को मान ले, हम इतने सालों से खाते चले आ रहे हैं। और मैंने इसमें हींग, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्ची का तड़का लगाया है, और तड़का डाल दिया है, तो हमारा ये खीरे का रायता तैयार। भिंडी यहाँ पर धीमी आंच में इतनी बढ़िया फ्राई हो रही थी, बहुत अच्छे से पक गई हैं, और अब मैंने ढक्का नहीं है उसको, उसका लिड हटा दिया है, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि हल्दी मैंने ऑलरेडी डाला है। और भिंडी की सब्जी में मैं कभी भी गर्म मसाला की यूज़ नहीं करती हूँ, आमचूर पाउडर जरूर डालती हूँ या लेमन जूस डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाला है, ऐसे ही कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट चेंज होना चाहिए इसलिए। और एकदम बिखरी बिखरी भिंडी है, कुछ भी उसमें स्टिकनेस नहीं है, धुली और सूखी भिंडी फ्रिज में रखी हुई थी। नमक डाला है मैंने एकदम लास्ट में इस टाइम पर, और अब नमक डाल के कुछ मिनट में इसको ऐसे भूनने दूंगी, क्योंकि नमक डालने के बाद ना जब भिंडी का फिर अलग ही आ जाता है, वो पक मॉइस्चर आता है, लेकिन उसको फिर हमें ड्राई। और दूध यहाँ बॉयल हो गया है तो मैंने गैस बंद कर दी है, और ये प्लेट ढक दी है, जाली वाली प्लेट है। और यहाँ पर भिंडी भी देखो खूब अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इस कढ़ाई पे किसी ने पूछा है कि क्या गैस में जलती है, मैंने यूज किया है इस कढ़ाई को गैस पर, तब भी वो नहीं जल रही थी। ये तो है खैर कि मैं इंडक्शन में यूज ज्यादा करती हूँ, लेकिन गैस में भी जब मैंने यूज किया था तो भी ये जली नहीं थी। अब मैंने भिंडी पलट दी है डोंगे में और कढ़ाई को धुलने में निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने हांडी रखी है गैस पर, ये मेरी हांडी स्टील की है, लेकिन नीचे बॉटम इसका कॉपर है, ये गैस में यूज होती है और इंडक्शन में भी यूज हो जाती है हांडी। और घी गर्म होते ही जीरा डाला है और लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है, बिल्कुल सही, ये तड़का लगाया है मैंने डायरेक्टली, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, मतलब तड़के पैन, क्योंकि मैंने अभी रायते के लिए छौंक लगाई थी, तो इसलिए मैंने अभी हांडी में ही डायरेक्ट तड़का लगा करके जो मैंने दाल बनाई थी वो डाल दिया है। हींग जीरे का तड़का है और सिर्फ लाल सूखी मिर्ची का, प्लेन सिंपल और बहुत ही टेस्टी लगती है दाल।
अब मैंने कुकर धुल लिया था क्योंकि दाल अभी इसमें पकाई थी, और धुलने के बाद फिर पानी डाला है, चावल डाला है और घी डाला है। चावल एक विसल में बन जाता है, तो अब ये हुआ कि रायता बन गया है, भिंडी की सब्जी बन गई है, दाल बन गया है और चावल बन गया है। बहुत दिनों बाद प्रॉपर पूरा डिनर या लंच मतलब हमारे घर में बनना शुरू हुआ है 2-3 दिनों से, वो पहले जैसा ही हो गया। ऐसा लग रहा है कि मतलब 15-20 दिन की छुट्टी करके मैं आई हूँ वापस किचन में, अब काम शुरू हुआ है। इतने दिन मैं घर से बाहर थी, समझो जैसे होता ना घर के बाहर, घर जैसा खाना नहीं मिलता वैसे ही मुझे बनाने को नहीं मिला। और अब मैंने काउंटर टॉप पूरा क्लीन किया है और निकाला है आटा हाथ धुल करके, और अब मैं आटा गूंथ रही हूँ। लास्ट में रोटी का काम हो रहा है। अक्सर पहले मैं आटा गूंथ लेती हूँ फिर रोटी बना लेती हूँ, लेकिन कई बार होता है ना काम में एक के बाद एक, अब हमें ये लगता है कि इतने सारे काम है तो एक एक करके करते जाओ तो भूल जाती हूँ मैं कई बार कि आटा मुझे लगाना है। एक विसिल हो गई कि यहाँ चावल तैयार, तो इसको मैं साइड में रख दूंगी और इंडक्शन को मैं वहाँ कोने में रख देती हूँ हटा करके, क्योंकि अब इंडक्शन का कोई यूज़ नहीं है। और सारा खाना यहाँ साइड में कर लिया है और रोटी बनानी शुरू कर दी है। मैंने इमली और खजूर की चटनी की रेसिपी शेयर की थी, तो किसी ने मुझे बोला है कि इसका प्रोपोर्शन बताएं। मैंने बराबर बराबर ले ली थी, जैसे एक कटोरी आप खजूर निकाल लो तो उसी एक कटोरी के नाप की इमली ले लो। अगर आपने कोई चीज़ कम या कोई एक चीज़ ज़्यादा ले ली तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा होगी इमली तो इमली की चटनी का स्वाद आएगा, खजूर ज़्यादा होंगे तो मीठा मीठे से चटनी लगेगी क्योंकि खजूर में ज़्यादा खट्टापन तो होता नहीं है। और रहा गुड़ का सवाल, पहले आप थोड़ा डालो अंदाज से, आप टेस्ट कर लो कितना मीठा आपको पसंद है, तो खट्टा मीठा मतलब इमली कितनी खट्टी है कैसा, कई बार बहुत ज़्यादा खट्टी होती है तो ज़्यादा गुड़ डालना पड़ता है, तो इस तरह से आप चेक कर लो एक बार। तो उसके हिसाब से जैसे 2 कटोरी यदि दोनों चीज़ें हैं तो 1 कटोरी गुड़ तो लगेगा आराम से, 1-1 कटोरी दोनों चीज़ें हैं तो। और किसी ने बोला था कि उन्होंने बनाई थी चटनी तो उसमें किसकिसापन था, गुड़ में कई बार किसकिसापन रहता है तो हमेशा छन्नी से छान लो आप, इमली का पल्प जो आप पीसते हैं उसको भी छन्नी से छान लो अगर उसमें कुछ दिख रहा है आपको। हमने जो गुड़ यूज़ किया था वो इतना बढ़िया गुड़ है, हम साईं जीवन से लेते हैं बहुत बढ़िया गुड़, एक मैं छन्नी से छान भी लूँ तो छन्नी में कुछ नहीं दिखेगा, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, तो इसलिए मैंने नहीं छाना था, डायरेक्ट डाला था। और एकदम फाइन कि अब चटनी बनने के बाद भी छान लो ना तो सिर्फ वही चीज़ें दिखेंगी जो मैंने तड़के में डाली है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ है, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी कैसी है वो पहले आप देख लो, उसके हिसाब से फिर छान सकते हो और कोई दिक्कत नहीं। और अच्छे से पका लेना क्योंकि पानी नहीं रहना चाहिए उसमें, तो वो ख़राब नहीं होगी और आराम से 15 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं। और खाना वाना यहाँ की रोटियाँ बनी तो मैंने बर्तन हटाए और जो चावल कुकर खोला है और एक बार कलछी से हिलाया है और इससे निकाल दिया है चावल को भी मैंने कुकर धुलने में, क्योंकि खाना खाने के बाद वो थाली धुलना तो सही लगता है, ये बड़े वाले बर्तन जो होते हैं ना पसारा फैला रहता है वो मुझे धुलना पसंद नहीं, मजबूरी की बात अलग है कभी कभार, पर बिना किसी रीज़न के मुझे यही काम पसंद है कि एक बार खाना निकाल लो और फिर बर्तन लगे हाथ धुल लो। और तब तक यहाँ पे मैं इन लोगों को बता भी देती हूँ कि खाना तैयार है, फिर ये लोग अपना माहौल बना लें खाने का, भूख लगी है कि। और ये सारे बर्तन धुल जाते हैं यहाँ पर इसी तरीके से, ये सारे के सारे मेरे काम होते हैं। और बर्तन धुलने के बाद मतलब ये जो हमारी सिंक है उससे मैं धुलती हूँ रोज़ का रोज़ एक बार रात के समय में, क्योंकि सुबह भी धुलने पड़ते हैं शाम में धुलने पड़ते हैं, तो हर बार तो नहीं लेकिन एक बार पूरा बर्तन धुलने के बाद मैं सिंक को धुलने के बाद 1/2 बाल्टी करीब पानी डाल देती हूँ, क्योंकि जो पाइपलाइन है ना वो एकदम क्लियर हो जाए। मैंने जाली तो लगा रखी है नेट स्टील की, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा बहुत कचरा नीचे चला जाए पाइप में, तो फिर इस वजह से उससे पहले कि कोई परेशानी आए फिर वो जाम हो जाए तो ये सिंक फिर बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं 1/2 बाल्टी करीब पानी डाल के रखती हूँ। तो जब पूरे बर्तन धुल जाते हैं तब बकेट रख के पानी लेके पूरा उसको क्लीन कर लेती हूँ। और ये यहाँ पर नज़ारा देखो हमारी फैमिली का, यहाँ पे काम वाम सब हो गए हैं बर्तन बर्तन धुलने के बाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो मैं कुकिंग करती हूँ, तो ये बॉटल्स पूरी भर के रख लेती हूँ बाहर बालकनी में, मिट्टी का घड़ा है उसमें पानी भर के रखना होता है रात में, तो फिर सुबह पानी ठंडा रहता है फिर सारा दिन वो पानी यूज़ होता है। और अब 4 थालियाँ लग रही हैं, 4 थाली तो चलो अभी 2-3 दिनों से लग रही थी, 4 लोग एक साथ टेबल में बैठकर खाने वाले हैं, इस बात की खुशी है बच्चों को, क्योंकि अभी पापा आए भी थे इतने दिनों बाद लेकिन दूरी इतनी थी कि मतलब उन्हें भी लग रहा था कि बच्चों से दूर रहना है, और अब बच्चे भी बच्चे नहीं रहे बड़े हो गए, उन्हें भी समझ थी कि हाँ दूर रहने में भलाई है,
तो इसलिए आज फील हो रहा है उनको कि पापा आ गए घर में, क्योंकि आज तब टेबल में बैठ के खा रहे हैं साथ में। और थाली परोस लिए मैंने, खीरे का रायता, भिंडी की सब्जी, दाल चावल रोटी डिनर में। मतलब हम लोग तो कुछ ना कुछ ऊटपटांग ही खा रहे थे इतने दिनों से, मैं शुभम शुभी, आज बड़े दिनों बाद पूरा खाना। क्योंकि जब इनके पापा रहते हैं रोटी तो मतलब तीनों टाइम रहता है, सुबह नाश्ते में भी उनका मन है कि रोटी बना लो, लंच में भी रोटी और डिनर में भी रोटी, फिर क्या कहने है ना। और मैं अपने सारे व्यूवर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यही विश करती हूँ कि हर किसी के घर में सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी लोग सुरक्षित रहें। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो बातें हम लोगों को बताई जा रही हैं, उनका ख्याल रखना, सफाई से रहना है, हाथ धुलते रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है, और बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। कुछ चीजों के बिना गुजारा किया जा सकता है ना। अभी हम लोगों इतने दिन रहे तो क्या दिक्कत हुई, कुछ नहीं हुई, कम से कम सेफ तो है। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्वस्थ हैं और हमारे आसपास सभी लोग स्वस्थ रहें। आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।